अगर आप देखेंगे जो महाराष्ट्र में विभाग गोरेगांव इवेंट के बाद हुआ, पूरे स्टेट को आ के अम्बेडकर टोकन ने बंद किया, सरकार को बता दिया कि हम अलग, राजनीतिक पावर हमारे पास नहीं है, लेकिन सामाजिक लेवल पे हमारी लड़ाई आज भी जिंदा है। और मैं आपके थ्रू सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भलाई अब सरकार में होगी, लेकिन समाज में दिल्ली से लेकर दिल्ली तक हमारी लड़ाई जारी और जारी रहेगी, और इस लड़ाई को तेज किया जाएगा। जब जब हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा। राहुल, आप राहुल जेएनयू में पढ़ते हैं, लगातार सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, छात्रों के राइट्स को लेकर लगातार लड़ रहे हैं, बताइए इतना बड़ा राज्य, इतने विधायक होंगे, वहाँ मंत्री होंगे, किसी का कोई बयान नहीं आता, एकदम से मर्डर नहीं है, ये रोड रेज नहीं है, एकदम जान बूझ कर जाता है तो आपको मार दिया जाता है, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे नेताओं से कैसे क्या समझेंगे कि हमारे नेता जो चुन के जा रहे हैं वो हमारे जान पर बनाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। जिनके जहन में एक इमोशंस नहीं आता हो, जिनके दिल में उनको ये नहीं फील होता हो कि भाई किसी स्टूडेंट को मारा गया बेरहमी से, अगर उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती तो मेरे ख्याल से ये नेता नहीं है, ये एमएलए नहीं है, ये एमपी नहीं है, दलाल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ।